हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम बात करेंगे फर्स्ट स्टैंडर्ड में यूनिट 7 पार्ट 4 सुंदरी, जो सुंदरी नाम की पतंग उसके बारे में बात की। जो स्टोरी थी वो मैंने आपको अगले वीडियो में वो समझा दी थी, फिर भी आपको फिर से समझा दूँ कि जो बोबी नाम का लड़का है उसने एक सुंदरी पतंग बनाई, एक काइट बनाई, तो उसका नाम रखा उसने सुंदरी। तो वो काइट जो है वो उसके सामने देखकर बहुत हंसने लगी। फिर जो उसको काइट बनाया तो वो कहा उड़ाना पसंद करता था, वो बाग में ले जाके जो वो फेयर के अंदर मेले के अंदर गया तो उसके सामने जो बैंड बाजा बजाने वाले वो मिले, फिर मेरी गो राउंड में सब बच्चे खेलते वो सब मिले। वो एक अच्छी जगह जाकर, मतलब अच्छी जगह ढूंढना वो पसंद करता कि जहाँ कोई मुझे अड़चन रूप ना हो, कोई मुझे हैरान परेशान ना करे। जैसे कि एक खुली जगह, एक मैदान, एक घास वाला पूरा मैदान था, वहाँ पर मिस्टर नोबडी गया। वहाँ पर जो सुंदरी नाम की जो काइट थी उसको वो उड़ाने लगा, फ्लाई करने लगा। तो एक छोटा बच्चा, जो छोटा कुत्ता था, वो उसके बाजू में बैठा था, मतलब छुप के बैठा था। तो जैसे वो उड़ाने स्टार्ट की तो उसके मुँह की जो उसकी जो पूंछ थी, जो काइट की जो पूंछ थी, वो टेल थी, उसने उसके मुँह के अंदर पकड़ ली। तो फिर उसने क्या किया, जो बोबी नाम का जो लड़का था उसने उसको भगा, वहाँ से भगा दिया। और उसने सुंदरी को क्या कहा, हम फिर से वो ट्राई करेंगे उड़ाने के। तो उसके बाद वो जो काइट थी वो बहुत ऊंची हवा में उड़ गई और वहाँ से वो बहुत दूर उड़ के चली गई। तो ये बात थी। और जो न्यू वर्ड्स थे मैंने वो आपको वो समझा दिया है। मिस बैंड मिस जो बजाने वाले आते हैं वाजिंद्र, उसको डीजी मीन्स बहुत ऊंचा, स्माइल मीन्स हंसू, स्ट्रिंग मीन्स जो धागा आता है जो हम उसको बोलते हैं दुरडी वो, फिर टग मीन्स जो झटका हम लगाते हो, जैसे कि आपने काइट चगाई होगी तो आपको पता है जैसे हम झटका लगाते उसको बोलते हैं। वाइंड मीन्स हवा। तो जो न्यू वर्ड से मैंने आपको उसका जो गुजराती मीनिंग है वो भी मैंने आपको लिखवाया था और आपको फिर से समझा दिया। लेट्स रीड, उसके नीचे देखो, आई फील डिजी ऑन अ मेरी गो राउंड। डिजी मीन्स चक्कर, जो हम गोल गोल मेरी गो राउंड मीन्स चक्कड़ी में, जो गोल गोल मेरी गो राउंड की चक्कड़ी आती है हम उसके उस पर बैठते हैं। तो हम बैठ के उसके बाद जो फ्रेश होने के लिए बाहर बैठ के बाहर आते हैं तो आपको क्या चक्कर जैसा महसूस होता है। तो आई फील डिजी ऑन अ मेरी गो राउंड, मेरी गो राउंड में चक्कर जैसा मुझे महसूस होता है। द बैंड वॉज प्लेइंग अ टून, बैंड बाजा एक ट्यून बजा रहा है। ट्यून मीन्स आपको पता है कि जो आवाज़ आता है वाजिंद्र का, जैसे आवाज़ आता है वो बजा रहा है। अब नेक्स्ट टर्न योर पेज, पेज नंबर 82 पर बच्चों, पेज नंबर 82 ओपन करो। नेक्स्ट टर्न योर पेज, पेज नंबर 82 जो क्वेश्चन आंसर है वो आज सॉल्व करेंगे। रीडिंग इज फन। हु मेड सुंदरी, सुंदरी को किसने बनाया था? तो आपको पता है, तो आपको इसका आंसर भी आपको पता है। तो सुंदरी ने किसको बनाया था? तो एक बोबी नाम का जो लड़का था उसने वो सुंदरी नाम की पतंग है वो बनाई थी। तो फर्स्ट काम आंसर लिखेंगे, बोबी मेड सुंदरी। तो किसने बनाई थी? तो बोबी मेड सुंदरी। तो फर्स्ट का आंसर लिख सकते हो आप। फिर नेक्स्ट उसके नीचे देखो, व्हाई डिड बोबी कॉल हिज काइट सुंदरी। बोबी ने अपनी पतंग को सुंदरी नाम क्यों दिया? जो बोबी है उसने अपनी पतंग को सुंदरी नाम क्यों दिया? तो क्यों दिया? बिकॉज इट वॉज अ ब्यूटीफुल, कि बहुत बहुत सुंदर थी इसलिए उसका नाम सुंदरी दिया। तो हम उसका आंसर है वो लिखेंगे,
भी कॉल्ड हिज काइट शुड बी Sundari because it was a beautiful Okay. तो सेकंड का आंसर है बॉबी कॉल्ड हिज काइट सुंदरी बिकॉज इट वॉज अ ब्यूटीफुल. तो सुंदरी ने वो नाम क्यों रखा था कि वो बहुत सुंदर थी इसलिए उसने वो नाम रखा था. तो ये फर्स्ट और सेकंड का आंसर आप लिख सकते हो अपने नोटबुक के अंदर. फिर थर्ड नंबर का आंसर है व्हाट मेड सुंदरी रियली हैप्पी. सुंदरी वास्तव में किस बात पर खुश थी. सॉरी थर्ड नंबर का क्वेश्चन मैंने आप भूल गया. तो थर्ड नंबर पर डिड सुंदरी फ्लाई वेरी हाई एट फर्स्ट. सुंदरी पहली बार में हवा में बहुत ऊंचा उड़ना पसंद करती थी. तो आंसर डिड सुंदरी फ्लाई वेरी हाई एट फर्स्ट. क्या सुंदरी पहली बार बहुत ऊंची उड़ गई थी. तो पहली बार बहुत ऊंची उड़ गई थी सुंदरी पहली बार में बहुत ऊंची उड़ गई थी. नो क्यों नहीं. तो जैसे वो बॉबी ने पतंग उड़ाने की स्टार्ट की तो जो कुत्ता था वो नीचे बैठा था उसने वो उसकी जो टेल जो उसकी जो पूंछ थी लंबी सी उसने वो मुंह के अंदर पकड़ रखा था इसलिए वो पहली बार उड़ नहीं सकी. तो इसका आंसर है नो सुंदरी डिड नॉट फ्लाई वेरी हाई एट फर्स्ट. जो सुंदरी पतंग थी वो पहली बार में बहुत ऊंची उड़ सकी नहीं. तो थर्ड का आंसर है वो हम लिखेंगे जो थर्ड का आंसर है वो आप अपनी नोटबुक के अंदर. थर्ड का आंसर है नो सुंदरी इट नॉट फ्लाई वेरी हाई एट फर्स्ट. तो पहली बार वो बहुत ऊंची उड़ सकी नहीं. उसके नीचे फोर्थ नंबर का आंसर है व्हाट मेड सुंदरी रियली हैप्पी. सुंदरी वास्तव में किस बात पर खुश थी. तो सुंदरी वास्तव में किस बात पर खुश थी. तो सुंदरी बिकॉज रियली उसका आंसर है सुंदरी बिकम रियली हैप्पी व्हेन बॉबी लेट हर गो एंड फ्लाई हाई इन द स्काई. तो वो बहुत मतलब पहली बार में जो वो बहुत ऊंची उड़ चुकी थी आसमान पर इस बात पर वो बहुत खुश थी. तो हम इसका जो फोर्थ का पिक्चर आंसर है वो हम लिखेंगे सुंदरी का
really happy. The fourth culture is Sundari become really happy when Bobby laid her bow and fly high the sky. तो जो ये fourth culture है वो आप अपनी notebook के अंदर लिख सकते हैं. फिर उसके नीचे let's talk. तो इसका भी उसमें भी दो question answer है. अच्छा उसमें भी दो question है. Do you like to fly kites? मीन्स उसका मीनिंग होता है क्या आप पतंग उड़ाना पसंद करते हो. तो इसका मीनिंग तो आप पतंग उड़ाना पसंद करते हो तो हाँ यस आई लाइक टू फ्लाई काइट्स. हाँ मैं पतंग उड़ाना पसंद करता हूँ. तो हम उसका मीनिंग लिखेंगे. उसका जो आंसर है वो है यहाँ पर लिखेंगे. Yes, I like to fly kites. फिर उसके नीचे देखो Who helps you to fly kites? पतंग उड़ाने भी आप को कौन मदद करता है. पतंग उड़ाने में आपको कौन फ्लाई मिस उड़ाने के लिए आपको कौन मदद करता है. तो आपके जो फ्रेंड्स वो मदद करेंगे. आपके पापा आपके ब्रदर आपके सिस्टर आपसे बड़ा जो भाई वो आपको मदद करेंगे. तो आपको ये जो क्वेश्चन आंसर है वो आपको अपने हिसाब से जो ये आंसर है जो इसका जो आंसर आ जाएगा वो आपको अपने हिसाब से लिखने. जैसे कि मुझे मेरा भाई काइट उड़ाने के लिए मदद मेरा भाई करता है तो मैं यहाँ पर लिखूँगा माई ब्रदर हेल्प्स यू टू फ्लाई काइट्स. जो मेरा भाई पतंग उड़ाने में मेरी मदद करता है. जैसे कि आपके फ्रेंड्स है तो माई फ्रेंड्स वो भी लिख सकते हो. और आपके जो पापा है वहाँ पर भी माई फादर. आपकी जो सिस्टर उड़ाने की मदद करता है तो माई सिस्टर. तो वहाँ पर जो सेकंड का जो क्वेश्चन आंसर है वो आपको अपने हिसाब से लिखना है. फिर उसके नीचे देखो लेट्स शेयर. शेयर करना है तो ये जो है वो आपको अच्छी तरह समझ में आ गया है. ये जो कैट है उड़ाने के लिए तो यहाँ पर है टिक द ऑब्जेक्ट यू नीड टू फ्लाई अ काइट कलर द काइट. आपको जो काइट दिए उसमें आपको कलर करना है. जो टिक मार्क करना है आप जो जो पतंग उड़ाने के लिए क्या क्या यूज होता है तो वहाँ पर आपको टिक मार्क करना है. तो जैसे कि स्टिक तो पतंग उड़ाने के लिए स्टिक की ज़रूरत होती है. मतलब बनाने के लिए और कुछ भी मतलब तो स्टिक की ज़रूरत होती है. जैसे कि जो यहाँ पर यह आती है उसके लिए स्टिक की ज़रूरत होती. तो ये स्टिक है ये जो स्टिक है तो वहाँ पर हम जो स्टिक है उसके सामने हम टिक मार करेंगे. फिर मिस रूलर जो हम बोलते हैं हमारी भाषा में फिरकी जो फिरकी आती है वो. फिर जो गम जो गुंदर है वो भी यूज कर दे जैसे ये सब चिपकाने के लिए. ये सब चिपकाने के लिए जो गम यूज कर दे जो पेपर है वो यूज कर दे. फिर पेयर ऑफ सीजर जो कातर है वो यूज करेंगे तो वहाँ पर हम टिक मार करेंगे. फिर बास्केट पेपर बॉल जो जो इन दो सात जो पिक्चर दिए सात जो चीज़ें दिए उनमें से जो सही जो
फ्लाइट के लिए, काइट के लिए जो काम में उड़ाने के लिए मदद रूप होता है वहाँ पर हम टिक मार्क करेंगे। उसके नीचे नेम द ऑब्जेक्ट इन योर ओन लैंग्वेज, जो जो आए जो जो उसके साथ जो जो समझ के पहला है स्टिक, जो जो है वो आपको अपनी लैंग्वेज में मिस लिखना है। जैसे कि हम हिंदी में बोलते हैं तो हम उसको हिंदी में लिखेंगे, आप गुजराती में बोलते हैं तो हम यहाँ पर गुजराती लिखेंगे। तो स्टिक, स्टिक मीन्स लाकड़ी, रोलर मीन्स फिरकी, जो गम है हम ग्लू मीन्स गुंदर और पेयर ऑफ सीजर्स तो हम बोलते हैं उसको कातर। तो वो जो है वो आपको अपने हिसाब से वहाँ पर लिख रहा है, जो क्वेश्चन आंसर है वो आपको अपने हिसाब से लिखना है। फिर नेक्स्ट टर्न योर पेज, पेज नंबर 83 पर ध्यान दो, ट्रेस करना है, ट्रेस ओवर द डॉटेड लाइन, जो डॉट डॉट दी वो लाइन को ट्रेस करनी है। तो आप एक लाइन ऐसे दिए, ऐसे दिए, फिर कोई लाइन है ऐसे दिए, आपको कैसे ऐसे दिए, देखो यहाँ पर आप ट्रेस करना है, फिर यहाँ पर तो आपको जो लाइन है डॉट डॉट है वो आपको वैसे ट्रेस करनी है, तो वैसे हम ट्रेस करेंगे। तो वो जो पूरा पेज है वो आपको ऐसे ट्रेस करना है। अब नेक्स्ट उसके बाद एक स्टोरी है, जो टर्न योर पेज पेज नंबर 18 और एक स्टोरी है वो लेट्स डू, लुक एट द पिक्चर्स एंड टेल द स्टोरी इन योर ओन वर्ड्स, मीन्स जो स्टोरी है वो आपको अपने पिक्चर देख के वो आपको अपनी लैंग्वेज में लिखना है। तो द अम्ब्रेला एंड द क्रो, एक छाता और एक कौवे की स्टोरी है। तो पहले पिक्चर में क्या है, बारिश का मौसम है, एक लड़की है जो बारिश के मौसम में बाहर जा रही, तो वहाँ पर हवा का एक झोंका आया, बहुत तेज हवा चलने लगी, जो काइट है वो जो कौवे कौवा है उसने वो काइट लेके वो कहा। सेकंड पिक्चर में देखो, देखिए सेकंड पिक्चर में क्या है, एक हवा बहुत तेज चल रही उसके ऊपर जो काइट है जो ट्री के ऊपर बैठा था वो काइट, जैसे वो अम्ब्रेला उड़ने लगी उसके जो लड़की के हाथ में जो छटक गई, उस तुरंत वो कौवा आके वो काइट लेके थर्ड पिक्चर में जैसे काइट पकड़ के उड़ने लगा, थर्ड पिक्चर में देखो आपको पता चल जाएगा वो काइट लेके उड़ने लगा, और लास्ट फोर्थ पिक्चर में उसने वो काइट को कैसे बना दिया, उसका जो घोंसला है जो नेस्ट है वो उसने वैसा बना दिया। तो जो ये चार पिक्चर की मदद से, चार पिक्चर की मदद से आपको अपनी लैंग्वेज में मीन्स गुजराती में आप लिखोगे तो आप गुजराती में लिखना है, बेटर ये रहेगा आप ये जो स्टोरी है वो इंग्लिश में लिखोगे तो आपको अच्छा रहेगा। तो ये जो स्टोरी है चार पिक्चर देख के आपको वो स्टोरी लिखनी है। फिर उसके बाद है नेक्स्ट टर्न योर पेज पेज नंबर 85 पर हम ध्यान देते हैं, तो नेक्स्ट टर्न योर पेज पे देखो, रीअरेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इन द राइट ऑर्डर टू मेक इट इनटू अ स्टोरी ऑन द लेफ्ट पेज, जो आपके बाजू वाला पेज है जैसे कि 85 पर ही है तो 84 पर जो उस जो जो सेंटेंस दिए उसको सही क्रम में, सही क्रम में मीन्स सही ऑर्डर में उसको लिखना है। तो नेक्स्ट पेज पर देख के आपको वहाँ पर लिखना, तो पहले पिक्चर में आपने एक बारिश को, तो वहाँ पर यहाँ पर सीधा मैं आंसर ही बोलूँगा, तो वहाँ पर आपको जो जो आंसर है वो आपको नोटबुक के अंदर सीधा लिखना है। तो फर्स्ट में आएगा इट इज रेनिंग, तो बारिश हो रही है, तो स्टोरी के अंदर पहले क्या हो रहा था, बारिश, तो इट इज रेनिंग, बारिश हो रही है। सेकंड में आएगा
द गर्ल हैज एन अम्ब्रेलास, लड़की के पास एक छाता है, मिस लड़की के पास छाता है, पहले बारिश हो रही थी, सेकंड पर आएगा लड़की के पास छाता है, फर्स्ट में आएगा इट इज रेनिंग, सेकंड में आएगा द गर्ल हैज एन अम्ब्रेला, थर्ड में आएगा अ वाइंड ब्लोस, हवा चल रही है, तेजी से हवा चल रही है, तो थर्ड में आएगा अ वाइंड ब्लोस, अ वाइंड ब्लोस, तो हवा चल रही है, फोर्थ में आएगा द क्रो फ्लाइज अवे विद द अम्ब्रेला, कौवा छाता लेकर भागता है, जैसे वो हवा तेज चल रही है, जैसे छाता छिटकता है वो लड़की के हाथ से, तो वो कौवा वो छाता लेकर भागता है। फिफ्थ नंबर पर आएगा द अम्ब्रेला हंग्स फ्रॉम अ ट्री, छाता एक पेड़ से लटका हुआ है, तो छाता वो जो अम्ब्रेला है वो एक पेड़ पर लटका हुआ है। सिक्स नंबर पर आएगा द अम्ब्रेला इज नाउ अ नेस्ट, छाता अब एक घोंसला हो गया है, तो फर्स्ट में आएगा इट इज रेनिंग, सेकंड में आएगा द गर्ल हैज एन अम्ब्रेला, थर्ड में आएगा अ वाइंड ब्लोज, फोर्थ में आएगा द क्रो फ्लाइज अवे विद द अम्ब्रेला, फिफ्थ पर आएगा द अम्ब्रेला हंग फ्रॉम अ ट्री, सिक्स नंबर पर आएगा द अम्ब्रेला इज नाउ अ नेस्ट। जो फर्स्ट नंबर का है आपको जो सही ऑर्डर में नहीं है, तो आपको सही ऑर्डर जो फर्स्ट नंबर है वहाँ पर थ्री लिखना है, मीन्स आपको नोटबुक आपको सीधा यहाँ पर आंसर ही दिखाऊंगा, तो आपको बेटर रहेगा, अच्छी तरह आप लिख सकोगे। तो फर्स्ट जो सेंटेंस है वो थर्ड नंबर, सेकंड सेंटेंस है फर्स्ट नंबर का है, थर्ड सेंटेंस है फोर्थ नंबर, इसके बाद सेकंड, फिर इसके बाद ये, और इसके बाद फाइव, ये आपको पहला लिखना है, सेकंड पर ये लिखना है, थर्ड पर ये, फोर्थ पर ये, फाइव पर ये, और सिक्स्थ पर ये, इसलिए आपकी जो स्टोरी है वो कंप्लीट हो जाएगी। नाउ से द स्टोरी इन इंग्लिश यूजिंग द वर्ड्स रेन वाइंड क्रो नेस्ट इज एज ब्लो फ्लाइज, आपको स्टोरी में ये जो वर्ड्स है वो आपको यूज करने हैं। उसके नीचे लेट्स रीड एंड राइट, जो जो स्टोरी में जो वर्ड्स दिए यहाँ पर जो जो डॉटेड दिए वो आपको कंप्लीट रीड करके आपको डॉट डॉट डॉटेड वो कंप्लीट करनी है। पहले पहला वर्ड से क्रो, सेकंड वर्ड से गर्ल, थर्ड वर्ड से नेस्ट, फिर उसके नीचे देखो क्रो गर्ल नेस्ट ट्री, फिर उसके नीचे उसके बाजू में देखो वाइन, वो जो है वो पेज नंबर 85 पर जो लेट्स रीड एंड राइट वो आपको अपने हिसाब से लिखनी है। फिर जो आगे का जो लेसन 83 पर जो डॉटेड से वो आपको ट्रेस करनी, तो ये आपके लिए दो होमवर्क है। नेक्स्ट वीडियो में हम उसकी जो वर्कबुक है यूनिट 7 की जो वर्कबुक है वो हम सॉल्व करेंगे, तो आपको वो वर्कबुक लेके बैठना है। थैंक यू स्टूडेंट।